हेलो गाइज, हाल ही में साइंटिस्ट द्वारा न्यू रिसर्च से यह पता चला कि कोरोना वायरस का ओरिजिन रकून डॉग से हुआ, पर यह अभी तक पूरी तरह से प्रूव नहीं हुआ कि यह रकून डॉग से हुआ है। साइंटिस्ट ने वुहान चाइना का 2020 में जो सैंपल इकट्ठा किया था उससे यह डाटा पता चला है। पहले साइंटिस्ट बैट्स को इसका रीजन मान रहे थे, पर यह रकून डॉग क्या थे? ये कैनेडियन फैमिली से संबंधित है और ये ईस्ट एशिया में मूलतः पाए जाते हैं। पहले ईस्ट एशिया में पाए जाते थे, पर अब ये दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में पाए जा सकते हैं। इन्हें रकून मत समझना, रकून है वे बेसिकली अमेरिका में पाए जाते हैं और इन रकून डॉग का फेस उनसे थोड़ा बहुत मिलता है, इसलिए इन्हें रकून डॉग कह देते हैं। और ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं और ये ह्यूमंस को कुछ वायरसेस पहुंचा सकते हैं और इनके ज्यादा कॉन्टेक्ट में आने से बहुत सारे वायरस भी फैल सकते हैं। और ये जो रकून डॉग होते हैं इनको फर के लिए बहुत पाला जाता है मिलियंस की संख्या में। बहुत कंट्रीज में इसके फर को यूज होता है जैसे यूएसए। और इतने सारे एनिमल्स को जब वे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो बहुत सारे जानवरों को एक साथ रखते हैं तो कुछ वायरस उनमें से फैल सकते हैं और कुछ लोग इन्हें खाते भी होंगे, तो इस तरह वायरस इनसे फैल सकते हैं। क्या आपको पता है कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा पिरामिड्स है? आप में से अधिकतर का उत्तर होगा इजिप्ट, लेकिन ये देश है सूडान जिसमें 258 पिरामिड्स हैं जो कि इजिप्ट में प्रेजेंट पिरामिड से दो गुना है। आज तक आपने केवल लाल लावा ही देखा होगा, लेकिन क्या आपको ब्लू लावा के बारे में पता है? इंडोनेशिया में एक वोल्केनो है जिसमें कुछ इसी तरह का लावा दिखता है। इसका नाम है कवान आइजन वोल्केनो। इसका ब्लू कलर सल्फर की प्रेजेंस के कारण होता है। जब यह सल्फर जलता है तो नियोन ब्लू फ्लेम देता है, परंतु सचमुच के लावा को ब्लू करने के लिए 6000 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होगी, जो कि पृथ्वी पर प्रेजेंट किसी भी लावा से ज्यादा है। आपने आज तक अर्थ और सन को कुछ इस तरह मूव करते हुए देखा होगा, परंतु एक्चुअली यह इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, बल्कि यह भी मूव करता रहता है। इसके साथ साथ अर्थ और अन्य प्लैनेट भी इसके साथ कुछ इस प्रकार मूव करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।